पहले सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू. क्या तैयारी चल रही है, कैसे इसका एग्जाम है, किस तरह से पढ़ाई हो रही है? इस बार मेरा हर साल पेपर होता है. ओडीसी का गांधर महाविद्यालय से मैं ओडीसी में विशारद कर रही हूँ. तो विशारद प्रथम मेरा लास्ट ईयर क्लियर हो गया था. अभी विशारद द्वितीय है और ये मेन पेपर है. तो मेरा जो 7 ईयर का जो विशारद है वो फाइनली ख़त्म हो जाएगा. और इस बार जो है 19 नवंबर को मेरा थ्योरी पेपर है और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल है इन दिसंबर. तो इसलिए मैं नवंबर दिसंबर में मोस्टली जो है काम नहीं लेती हूँ. अगर बहुत अच्छा काम है डेफिनेटली आई गो फॉर इट. उस एक दो साल मैंने जिस टाइम मेरी फिल्म शूट हो रही थी उस साल मैंने गिव अप किया था एग्ज़ाम. तो वही है. तो अभी लास्ट मिनट मुझे फाइनली डेट आ चुकी है एग्ज़ाम की. और अभी यही है कि दो दो तीन तीन घंटा सो के मैं जो है, क्योंकि आई एम अ मदर, आई एम अ डॉटर इन लॉ, तो और डांसर हूँ, एक्ट्रेस हूँ, इन्फ्लुएंसर भी हूँ. तो बहुत सारे काम रहते हैं दिन में. तो मोस्टली मैं पढ़ाई करती हूँ 8 बजे से और रात को फिर 12, 1 बजे, 2 बजे जैसे बीच बीच में खाना खिलाना होता है सोम को, वो करके जो है किसी तरह से 2 या 3 घंटा ही मैं एक्चुअली पढ़ पा रही हूँ. तो बस मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं पास हो जाऊँ. बट वो भी नहीं, पर मुझे एक अच्छी चीज़ जो लगती है ना एग्ज़ाम की, बहुत सारी ना डिटेल्स अपने कल्चर के बारे में, अपने ट्रेडिशन के बारे में जानने को मिलते हैं. जैसे मैं उस दिन पढ़ रही थी, हमारा एक सवाल है यू नो शिव तांडव के ऊपर. देर 8 प्रकार के तांडव होते हैं. हु इज़ राधा, हु इज़ कृष्णा, हु इज़ सखी. तो इस तरह के सवाल हैं. गीत गोविंद जो जयदेव स्वामी ने लिखा है 12th century में, उसमें से एक आइटम ओडिसी में हमारा रहता है परफॉर्मेंस का. तो गीत गोविंदा के ऊपर, रासलीला के ऊपर, और अपना ये नाट्य शास्त्र है नवरस के ऊपर, भाव रसा, इस तरह के हमारे सवाल रहते हैं. तो हमको क्लासिक लिटरेचर, भागवतम, कालियानाग और ये सब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, द्रौपदी हरण जो था. तो ये सब तो इसके ज़रिए ना अपने को जो अपने हमारे जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको मुझे पढ़ने का और समझने का. आज अगर मैं रिलीजियस हूँ और स्पिरिचुअल हूँ, रिलीजियस हूँ तो वो इस वजह से हूँ बिकॉज ऑफ ओडिसी. मुझे उसको पढ़ने का मौका मिला, मुझे वो जानने का मौका मिला. तो उसकी स्टडी करने के बाद मेरे लिए उनके लिए भाव आया और एक रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ गई. पहले से ही मैं हूँ थोड़ा, मेरे फैमिली है रिलीजियस, पर मैं ज़्यादा रिलीजियस बींग एजुकेटेड इसलिए हो पाई क्योंकि मुझे ये सब जानने का और पढ़ने का मौका मिला. कि मतलब वाई मंगलसूत्र क्यों पहनना चाहिए, वाई ऑल दीज थिंग्स ना, वो जो सवाल है, एक जो रस है श्रृंगार रस, वो सब चीज़ें मैंने रामायण भी पढ़ी. तो सीता, क्योंकि हमको ये सब चीज़ें, ये लीलाएं जो हमको डांस के ज़रिए करनी रहती हैं, तो उसका भाव का हम भाव तभी दिखा सकते हैं जब हमको उसकी नॉलेज हो, अगर हमने वो पढ़ा हो. तो वो इन डेप्थ एक सात्विक जो एक डांसर का एक सत्वा भी एक पार्ट है जो है एक रस, एक ऑडियंस को रस पहुँचने के लिए, रसनिष्पत्ति के लिए एक सात्विक दिमाग, एक सत्वा भी होना बहुत ज़रूरी है आर्टिस्ट के अंदर. तो एक सही सोच होगी तो आप अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं परफॉर्मेंस को. तो उसके लिए काफ़ी हमको पढ़ना रहता है. और लोगों को लगता है कि डांस में क्या पढ़ना रहेगा, डांस में क्या थ्योरी होगा, वो सबको लगता है, बट ऐसा नहीं है. तो मुझे लगता है दैट्स व्हाई आज क्लासिकल डांस में सीख रही हूँ. तो इसलिए क्लासिकल आर्ट की, चाहे म्यूज़िक हो चाहे डांस, डांस हो ऑफ इंडिया, मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है. और मुझे पता है ये एक धरोहर है और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ये जानने का और ये पढ़ने का मौका मिला. मुझे नहीं पता मैं एग्ज़ाम में इस बार क्या होगा क्या नहीं, बिकॉज बहुत लास्ट मिनट हो गया है मेरा प्रिपरेशन और लाइफ भी बहुत एक्टिव चल रही है. दिवाली बीच में है तो घर के बहुत काम है, अपीयरेंसेस हैं मेरी, उसके साथ चलते मैं कितना इधर डिवोट कर पाऊँगी. पर मुझे ये है कि जितना मैं पढ़ पा रही हूँ ना, उसमें मुझे बहुत एक वंडर एलिमेंट मिल रहा है, एक कहते हैं ना अद्भुत रस की मुझे प्राप्ति हो रही है कि वाह ऐसा था, ऐसा है रासलीला, ऐसा है. अच्छा मतलब जो है राधा के इतने इतनी सारी नायिका, मतलब कि वो कलहंत्रिका भी है, गृहकंठिता भी है, वासक सज्जी का भी है, इतनी सारी नायिका के शेड जो है गीत गोविंदा में है. तो वो जानने के एज एन एक्टर भी मुझे लगता है कि एज एन एक्टर मैं उतना नहीं पढ़ पाई, बट बिकॉज ऑफ डांस मुझे एज एन एक्टिंग की भी नॉलेज मिल रही है. बिकॉज दिस नाट्य शास्त्र इज ये डांस और अभिनय दोनों के ऊपर के लिए हमारा ये 5वां वेद लिखा गया है. और ये इस वेद के अंदर ये ब्रह्मा जी ने लिखा था सो दैट कि हर एक इंसान को जो उस टाइम पे जो शूद्र थे उनको बाकी के 4 वेद जो थे
वो सिर्फ ब्राह्मण्स को पढ़ने के लिए अलाउ थे, तो एक नॉर्मल इंसान को भी अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन के बारे में पता लगे, उसके लिए नाट्य शास्त्र बनाया गया, एक ऐसा वे जिसको आप परफॉर्म करके, परफॉर्मेंस आर्ट, परफॉर्मेंस के ज़रिए आप हर एक लेमैन को भी समझा सको कि व्हाट इज़ आर कल्चर। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी, मैं खुश अपने आप को, देखिए इंसान दो तरह से सक्सेसफुल होता है, एक उसकी चॉइस होती है, तो स्पिरिचुअली अपने आप को सक्सेसफुल करना चाहता है, फिनेंशियली। तो मैंने ये जो चॉइस ली है ना कि मैं अपने आप को स्पिरिचुअली साथ साथ फिनेंशियली के फिनेंस एज अ फिनेंस और साथ में स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ, तो वो मेरी जिज्ञासा ये करके बहुत शांत होती है। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये स्टडी करके और आई एम एक्चुअली हैविंग माई बेस्ट टाइम। Thank you so much.